नई मुंबई सानपाड़ा प्रभाग 30 में आयोजित क्रीड़ा महोत्सव के तीसरे दिन कई खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें अंताक्षरी, बैडमिंटन, कैरम तथा पाक कला प्रतियोगिता खेली गई। खेल महोत्सव में अंडरआर्म क्रिकेट टूर्नामेंट का फिनाले देखने लायक रहा। युवा समाज सेवी पांडुरंग आमले ने यहाँ विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। देखे चल किया प्रभाग 30 में क्रीड़ा महोत्सव की धूम मच गई है। लॉकडाउन के बाद शारीरिक खेलों का यह सबसे बड़ा आयोजन है, जिसे युवा समाज सेवी पांडुरंग आमले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। 6 दिनों के क्रीड़ा महोत्सव के तीसरे दिन यहां अंताक्षरी, बैडमिंटन, पाक कला समेत कई मनोरंजन प्रतियोगिता खेली गई। यहां अंडरआर्म क्रिकेट टूर्नामेंट का फिनाले मुकाबला देखने लायक रहा। युवा समाज सेवी पांडुरंग आमले ने कहा कि यह ऐसा खेल आयोजन है जहां युवा, बच्चे एवं महिलाएं सबके लिए हुनर दिखाने का मौका दिया गया है। उन्होंने खिलाड़ियों और नागरिकों के अच्छे प्रतिसाद पर खुशी जताई। सनपाड़ा महोत्सव का ये आज हमारा 7वां कॉन्टेस्ट है। हमने टोटल 10 कॉन्टेस्ट रखे यहाँ पे पूरे सनपाड़ा में, और कोरोना के कारण हमारे जितने भी महिला वर्ग है, हमारी बहनें हैं, उनको इतना स्ट्रेस आया था और वो कहीं तो कम होना चाहिए, इसीलिए हमने ये सनपाड़ा महोत्सव बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन्स तक और हमारे महिला भगिनियों के लिए हमने आयोजित किया है। और हम लोग देख रहे हैं, आज आप भी देख रहे हो कि हमारे महिला भगिनी कितना एंजॉय कर रहे हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। और हमें बहुत सुकून है कि हम लोग कहीं ना कहीं तो हमारे महिला भगिनी को काम आ रहे हैं, और यही काम आगे ऐसे हम लोग करते रहेंगे। खूब सुंदर असं नियोजन पांडुरंग आमले नियोजनबद्ध कार्यक्रम असतो, आणि महिला ही आंतर स्पर्धा चालू आहे, त्यांची संगीतमय वातावरण त्यांनी तयार केलेलं आहे। महिला ह्या ग्रेट आहेत, माता भगिनी आहेत, आमले साहेबांनी त्याच्या सोबत कधी पण पाठीशी असतात। क्रिकेटचे सामने झाले, बॅडमिंटन आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।